अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। शरीर से सुंदर होने वाले लोग आपको केवल कुछ पल खुशी दे सकते हैं, लेकिन दिल से सुंदर होने वाले लोग आपको जिंदगी भर सुख देते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज दूसरे को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देंगे। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार इंसान के अच्छे और बुरे कर्म उसे भी ढूंढ लेता है। अगर जीवन में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा नहीं। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कारीख पर नहीं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, पर ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, पर अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जो व्यक्ति आलसी होता है, ऐसे व्यक्ति का न तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अधिक सीधा होना भी अच्छा नहीं है, सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बचे रह जाते हैं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं हासिल की जा सकती।